हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा के पसरिया गांव में उत्सव सा माहौल था। अपनी 56 एकड़ जमीन वापसी की खुशी का सेहरा अपने विधायक अंबा प्रसाद के सिर पर 26 रैतों ने बांध दिया था। विधायक का सम्मान हुआ, रैतों की लड़ाई जीत चुकी अंबा ने कहा, यह शुरुआत भर ऐसे जितने भी रैतों की जमीन कंपनियों के नाम पर फंसी पड़ी है उन्हें वापस लाने की लड़ाई जारी रहेगी। आज रैयत लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी को माननीय तो बता दें आपको कि राज्य सरकार में ये फैसला किया गया है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जिन जमीनों का अधिग्रहण हो चुका और वहां पर कोई निवेशक जो है अब काम शुरू नहीं किया गया है और कोई रोजगार किसी को नहीं मिला तो उस जमीन को वापस लिया जाएगा और जिनकी जमीन होगी उन्हें वापस लौटाया जाएगा। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पिछले दिनों हो गई है और देखिए किस तरीके से इसलिए विधायक अंबा प्रसाद का स्वागत हुआ और ये सम्मान जो होता है यही आपको आगे बढ़ने की और जनता के लिए काम करने की प्रेरणा भी देता है। तो जनता की ओर से सम्मानित किया गया। हम लोग का तो जमीन जो लिए है ना, अब जो कंपनी ले लिया जा ठीक है। हाँ हाँ, हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। जैसे हम लोग जैसे जमीन लिए थे लेकिन वो बोला था कि मतलब इतना में हम लेंगे जमीन, हम लोग खुश नहीं हुए लेकिन फिर भी हम लोग इतने सोच गए नहीं इस जमीन में हम इसे नहीं देंगे। ये ऐतिहासिक है, ये बहुत बड़ी जीत है और इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जो क्षेत्र में मेरा है और झारखंड में भी बहुत जगह जगह है। तो मेरे क्षेत्र में जो भी समस्या इस तरह की है आने वाले कुछ ही दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी रैयतों को वापस उनकी ज़मीन मिल जाए। बड़का गांव में ऐसे बहुत सारे ज़मीन है, पतरातु में ऐसे कई ज़मीन है जो यहाँ NTPC PTPS और दूसरी कंपनियां आके लेके रखी है लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं की है, 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ है या रैयतों को पैसा नहीं मिला, ऐसे कई समस्या है। तो रैयतों को सही तरीके से ज़मीन नहीं लेने के अवज में हम लोग उनका ज़मीन लौटाने का काम करेंगे। मैं कहूँगी पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है जिन्होंने पूरा अपना संवेदनशीलता रैयतों के प्रति और किसानों के प्रति हमेशा दिखाते रहे हैं। जल जंगल जमीन बचाओ यूं ही नहीं है और ये गठबंधन की सरकार में जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली सरकार है और करके भी दिखाई है, जमीन रैयतों को वापस लौटा के दिखाई।